हे गाइस, वेलकम बैक टू माय जूही चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ यूनिक सा चीज़ और कुछ डिफरेंट मेरे चैनल पे। और मैं आप लोग के साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ मैं बता देती हूँ, और क्योंकि मुझसे भी नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ और मैं आप लोग से कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं। मैंने सोचा था कुछ सरप्राइज रखूँ आप लोग के लिए, बट मैं रख नहीं पाई, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो मैं अपनी फैमिली वालों के लिए क्या क्या ली हूँ और कैसी कैसी चीज़ है, क्या क्या लेकर आई हूँ, किस किस के लिए लेकर आई हूँ, मैं आप लोग के साथ दिखाऊँगी, शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ अपनी पूरी फैमिली के लिए। मैं आप लोग को दिखाती हूँ और ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करती हूँ, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी मत करना। और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। वैसे ऑलरेडी मैंने अपना एक आप लोग का एक मिनट टाइम ले लिया है, तो चलो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए क्या क्या लिया है। मायके फैमिली, ससुराल फैमिली दोनों वालों के लिए मैंने क्या क्या लिया है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने ससुराल वाले की फैमिली को दिखाऊंगा, फैमिली वाले ससुराल की फैमिली के लिए क्या क्या लिया है मैंने, वो दिखाती हूँ मैं आप लोग को। तो मेरी मम्मी की जो मतलब मेरी सासू माँ है ना, उनकी जो बुआ सास है, उनके लिए पहले लेकर आई हूँ एक साड़ी। वो काफ़ी एज है, मम सोच सकते हो आप लोग की मम्मी की बुआ सास हैं तो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, एजेड हैं वो, तो वो सूती की साड़ी पहनती हैं, तो उनके लिए ये येलो कलर का सूती की साड़ी लेके आई हूँ। और उनको ये डार्क कलर ही ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे कि येलो हो गया, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, ऐसे गाँव में तो ऐसे ही पहनते हैं लोग। और उनके लिए मैं ये सूती की साड़ी लेके आई हूँ, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। वैसे इसको मैं पूरा खोल नहीं सकती क्योंकि ये देखो इसमें पेपर लगे हुए हैं, और मैं इसको खोलूंगी ना तो इसको मैं फोल्ड दोबारा नहीं कर पाऊंगी, तो इसीलिए मैं आप लोग को ऐसे ही दिखाती हूँ। ये है पल्ला इसका, वो सूती साड़ी ही पहनती हैं, तो उनके लिए ये सूती साड़ी ली हूँ। और ये देखो कुछ इस तरीके से इसमें बॉर्डर लगे हुए हैं, और सॉरी, और ये पूरी साड़ी है, कैसी लगी बताना ज़रूर। और ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और येलो कलर तो खैर सबके ऊपर अच्छे लगते हैं, तो ये देख मैंने ऊपर अपने ऊपर भी डाल लिया है। तो ये तो मेरी दादी के लिए, मम्मी की बुआ सास हैं तो मुझे लगेंगी वो दादी, तो मैंने दादी के लिए एक साड़ी ली हुई है, और उनके लिए एक शॉल लिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से शॉल है, उनके लिए शॉल लिया है, वो कह रही थी मेरे लिए शॉल लेके आना, तो उनके लिए एक शॉल है, ये काफ़ी अच्छी है, ग्रीन एंड गोल्डन में है, काफ़ी अच्छा है इसका कपड़ा भी, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये, बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है, बहुत अच्छा है ये। ये देखो वो स्टॉल मना कर रही थी कि स्टॉल मत लेना, शॉल लेना, तो उनके लिए ये शॉल लिया है। फुल लुक देखो इसका, काफी प्यारे डिजाइन बने हुए हैं इसमें, देख लिया आप लोगों ने। तो ये दादी के लिए शॉल थे, और दादाजी जो है मतलब मम्मी के बुआ ससुर, हाँ बुआ ससुर ही कहेंगे ना, हाँ वही, तो मतलब जो दादी के लिए लिए उनके हस्बैंड के लिए, वो पहनते हैं धोती और कुर्ता पहनते हैं वो, तो उनके लिए लिया गया है एक धोती, इसके अंदर पैक है धोती, वो क्या दिखा, नहीं तो वाइट ही होता है। और ये कुर्ता का कपड़ा लिया है, काफ़ी अच्छा है, इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये मतलब दादाजी जो है वो प्लेन ही पहनते हैं ज़्यादा, तो उनके लिए प्लेन ही कुर्ता लिया गया, ये कुर्ते का कपड़ा है, और ये धोती हैं, तो ये तो लिए थे दादाजी के लिए। और मैं अब अपनी फैमिली के लिए दिखाती हूँ, मेरे मायके की फैमिली के लिए मैंने क्या क्या लिया हुआ है। तो मेरी एक दादी हैं, मतलब मेरी दासा की दादी तो नहीं है, बट मेरी दादी की वो
सॉरी देवरानी है वो, तो उनके लिए लिया है, क्योंकि हमारे मेरी जो दादी जो थी ना, वो तीन देवरानी जेठानी थी, तो मेरी दादी बीच की थी और जो सबसे छोटी है बस वो बच गई है, तो उनके लिए ये साड़ी ली हूँ मैं। ये ग्रीन कलर का है एंड ये ऑरेंज में है और इसका प्रिंट का है ये साड़ी, बहुत अच्छी है। ये भी सूती हैं, वो भी काफ़ी रेट की हैं, तो वो भी सूती की साड़ी पहनती हैं, तो उनके लिए भी ये सूती साड़ी ली है। और इसको भी मैं खोल नहीं सकती हूँ क्योंकि इसको फोल्ड मैं नहीं कर पाऊँगी जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है साड़ी, ये आप लोग देख सकते हो। और जो इसमें कलर है अभी एग्जैक्ट कलर ही है ये इसका जो आप लोग को दिख रहा है, और पूरी साड़ी प्रिंट की है। ये देखें, ये आई थिंक हाँ ये नीचे का बॉर्डर है, ये नीचे कुछ इस तरीके से आएंगे और ये ऊपर की साइड है। काफी अच्छी साड़ी है ये, तो ये मैंने दादी के लिए ली हुई है। और ये मैंने अपनी मम्मी के लिए ली है ये साड़ी, येलो येलो कितने प्यारा लग रहा है ना। और इसका भी कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट वाला जो कपड़ा होता है ना, इसको चाहे मुट्ठी में आप ले सकते हो। और इसकी डिज़ाइन मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी लगी, इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोग को। और ये आप लोग को दिख भी रहा होगा, और इसमें स्टोन्स का काम किया हुआ है, ये देखो ये ना इसका आँचल है। ये देखो पूरी साड़ी कुछ इसी तरीके से है, ये मैं खोल के दिखाई देती हूँ। ये इसके आंचल है, ये देख ये इसका बॉर्डर है, पहले बॉर्डर देख लो आप लोग। ये इसका बॉर्डर है और ये इसका आंचल है, और ये पूरी साड़ी इसी तरीके से है, आप देख सकते हो। ये देखो तो ये पूरी साड़ी है, और इसका मैंने जो है फॉल पिको करवा दिया है, ब्लाउज इसका काट के निकाल दिया है क्योंकि गांव में ये सब नहीं हो पाता है ना इसीलिए। और इसमें ना स्टोन्स लगे हुए हैं काफ़ी प्यारे प्यारे, छोटी छोटी बूटी सी स्टोन्स लगे हुए, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये साड़ी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। येल्लो में है एंड हर एक कलर है इस पर, कैसी लगी ज़रूर बताना। और येलो कलर मेरे पे खिल रहा है ना, तो ये थी मेरी मम्मी की साड़ी और ये है मेरे पापा के कपड़े, वो पैंट शर्ट पहनते हैं तो उनके लिए पैंट शर्ट का कपड़ा लिया है मैंने। तो ये शर्ट का कपड़ा है ये, और ये पैंट का है। इसका भी क्वालिटी काफ़ी, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, और ये शर्ट का कपड़ा है। मेरे पापा चेक चेक में पहनते हैं इसीलिए उनके लिए चेक वाली ही ली है। और ये थे मेरे पापा के कपड़े, कैसे लगे ज़रूर बताना। मैं बोलते बोलते मेरी आवाज़ ना धीरे चली जाती है। और एक साड़ी ये है, ये मेरी मम्मी की है, मेरे मतलब मेरी सासू माँ की है ये साड़ी। ओ सॉरी, हाँ इसका भी ना फॉल पिको करवा लिया था। और ये देखो इसमें भी कुछ इस तरीके से बॉर्डर है। और मम्मी की साड़ी ना ये बिल्कुल, मैं बता दूँ आप लोग को कि ये बिल्कुल प्लेन है, और प्रिंट का काम किया हुआ है इसमें, बिल्कुल स्टोन्स नहीं है क्योंकि मम्मी के पास इतनी साड़ी है कि जितनी भी साड़ी उसमें सब में स्टोन्स लगे हुए हैं, तो इसलिए मम्मी ने इस बार मम्मी के लिए ये बिल्कुल प्लेन और ये प्रिंट की साड़ी ली गई है। और ये देखो इसका कुछ इस तरीके से बॉर्डर है, और ये पल्ला है इसमें, थ्री कलर है, डार्क ग्रीन है और हल्का सा लाइट ग्रीन है और एक ग्रे कलर है। ये तो हो गया इसका यहाँ तक आँचल। और अब मैं दिखाती हूँ ये नीचे का पहनने का, ये है थ्री शेड में है ये, थ्री
थ्री कलर के शेड में, और ये इसका प्रिंट है, ये पूरी साड़ी पे इसी तरीके से प्रिंट किया हो गया है। तो ये देखो, और ये थी मेरी सासू माँ की साड़ी, और उन्होंने एक साड़ी और ली है जो कि वो नीचे रखी हुई है, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया और वो नीचे ही रह गई। तो यही सब थी, और यही मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए लिया है। और वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक 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 कर दीजिएगा, और शेयर, और क्या बोल रही हूँ यार, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलो आपको मिलते हैं अपने नए से अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और आप लोग को इनमें से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अच्छी लगी जरूर बताना, कौन सी, मतलब कौन सा कपड़ा अच्छा ज़्यादा लगा, कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो बस यही थी आज की वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।